तो नमस्कार दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे और आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा ई आई ए स्टैंड फॉर तो ई आई ए का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे तो इसका जो फुल फॉर्म है हम सभी को पता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ईआईए प्रोसेस तो ईआईए प्रोसेस में कितनी स्टेप्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं तो टोटल जो इसमें प्रोसेस होती है वो आठ होती है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आठ तो ई में आठ प्रोसेस होती है अगला क्वेश्चन है हमारा इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ ई आई इज़ तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सबसे लास्ट में की जाती है तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा हमारा तो डिसीजन मेकिंग स्क्रीनिंग स्कोपिंग और रिव्यू ये जो है हमारा पूरी तरीके से गलत ऑप्शन है इसलिए ये इनकरेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आई एस फो 140 40 इज तो आई एस जो है वो लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाइफ साइकिल असेसमेंट क्योंकि लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है वो आई एस वन से किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एच एच आर ए स्टैंड फॉर तो एच एच आर ए का फुल फॉर्म पूछ रहा है और एच एच आर ए का फुल फॉर्म हमको पता है ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट स्टैंड फॉर एच एच आर ए अगला क्वेश्चन है हमारा स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय तो पूछ रहा है हमसे कि स्लज बल्किंग को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं तो स्लज बल्किंग अगर हमको कंट्रोल करना होता है तो हम क्लोरीनेशन कर देते हैं स्लज का तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी क्लोरीनेशन क्योंकि क्लोरीनेशन से हम स्लज बल्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा पायरोलिसिस इज तो पायरोलिसिस क्या होता है तो पायरोलिसिस के ऑप्शन दे रहा है हमको ट्रीटिंग विद केमिकल बिफोर हीटिंग नो हीटिंग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर या हीटिंग इन एबसेंस ऑफ एयर तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हीटिंग इन एबसेंस ऑफ एयर जी हाँ दोस्तों हमको पता है एयर की जब एब्सेंस यानी एयर नहीं होती है और तब हम हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीटिंग इन एबसेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड पायरोलिसिस अगला क्वेश्चन है हमारा द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय तो स्क्रीन का हम डिस्पोजल किसके द्वारा करते हैं तो द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय इंसेंड्रेशन तो जो भी स्क्रीन होती है उसमें हम डिस्पोजल उसका जो डिस्पोजल करते हैं हम वो इंसेंड्रेशन से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू एंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज बाय मतलब अगर हमको पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना है तो बेस्ट डिस्पोजल की मेथड क्या होगी तो वो होगी अगर हमको पूरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन करना है तो उसको सबसे उसका सही, सबसे सही तरीका है कि उसको जला दो तो इंसर्डेशन मशीन मशीन जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम जला देते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ वन डिग्री सेल्सियस एंड अब तो उस उतने टेम्परेचर पे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया का अगर हमको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना है तो हम इंसनरेशन मेथड का यूज करेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम सी बाय एन रेशियो इन अ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट इज तो जो मैक्सिमम सी बाय एन रेशियो होता है हमारे एमएसडब्ल्यू में यानी म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट में और म्यूनिपल सॉलिड वेस्ट से जो कंपोस्ट निकलता है उसके अंदर का का सी बाय एन रेशियो मतलब कार्बन बाय नाइट्रोजन का रेशियो पूछ रहा है तो वो होता है ट्वेंटी इज टू वन मतलब अगर कार्बन ट्वेंटी होता है तो उसके रेशियो में नाइट्रोजन जो रहता है वो वन होता है अगला क्वेश्चन है हमारा द वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट्स इज तो लीचेट्स का अगर हमको ट्रीटमेंट पूछ रहा है हमसे कि लीचेट्स के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है तो ऑप्शन के हिसाब से हमको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा तो पहला ऑप्शन है लीचेट्स री दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और तीसरा है फिजी फिजियो को केमिकल ट्रीटमेंट फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव क्योंकि लीचेट्स री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फिजियोको केमिकल ट्रीटमेंट ये सारे ही तरीके हैं लीचेट्स को ट्रीट करने के अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है तो इसको हमको बताना है और ऑप्शन है हमारे मिथेन सीओ टू सी एफ सी यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो ये जो तीनों ही गैसेस हैं ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के होने का कारण है यानी मिथेन सीओ टू और क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो गैसेस है वो तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग करती हैं तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ क्योंकि उसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है हमारा इन ट्वेंट recycled. यानी 2019 में एक स्टडी में पाया गया था कि किस चीज के प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं इंडिया में कितने परसेंटेज प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं वो इंडिया में रिसाइकल हो जाते हैं तो लगभग 60 प्रतिशत प्लास्टिक जो होता है भारत में उस वो रिसाइकल कर लिया जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा च फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्पेशन प्रोसेस तो दो टाइप की प्रोसेस होती है एक एब्जॉर्प्शन होती है और एक एडजोप्शन होती है और इसमें ये पूछ रहा है हमके, हमसे कि एड्सॉप्शन प्रोसेस में आ, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके ऑप्शन है वॉन्डरवाल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स हेनरी फोर्स या बोहर्स फोर्स तो इसका करेक्ट आंसर जो है एडजॉप्शन में पूछ रहा है तो हमारे हो जाएंगे वॉन्डर फोर्स अगला क्वेश्चन है हमारा पी आर ओ स्टैंड फोर्स तो प्रो का हमारे को यह फुल फॉर्म पूछ रहा है और इसका करेक्ट आंसर है हमको प्रो का फुल फॉर्म पता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे प्रो का फुल फॉर्म होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी अब अगला क्वेश्चन हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है पूछ रहा है कि द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इन तो ई e वेस्ट को मैनेज करने और हैंडल करने के जो रूल्स थे वो कब आए थे तो इसके ऑप्शन दे रहा है 2003 2005 2008 या 2011 तो हमको पता है 2011 जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि दो में ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग के रूल्स आए थे अगला क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल्ड इज यानी कितना प्रतिशत ई e वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो जाता है हर साल हमारे भारत में तो 15 से 20 प्रतिशत लगभग जो वेस्ट ई वेस्ट होता है वो हमारे भारत में रिसाइकल कर लिया जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड तो जो रिफ्यूज होता है वो उसमें क्या नहीं होता है तो ऑप्शंस के हिसाब से हमको इसको लगाना पड़ेगा इसमें ऑप्शंस दे रहा है एक्सक्रीटा डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट एशेस और नॉन डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट तो ये सारे जो नीचे के तीन ऑप्शंस हैं डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट एशेस और नॉन डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट ये सारे के सारे रिफ्यूज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं लेकिन जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और एनिमल एक्सक्रीटा होता है ये रिफ्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आता है तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा एक्सक्रीटा क्योंकि रिफ्यूज की कैटेगरी में नहीं आता है अगला क्वेश्चन है हमारा विच वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू वर्कर्स हु डील विथ बायोमेडिकल वेस्ट तो जो भी हमारे वर्कर्स रहते हैं जो भी हमारे लेबर रहते हैं वो और वो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको हैंडल कर रहे हैं अगर वो हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट अगर वो हैंडल कर रहे हैं तो उनको एक वैक्सीन लगाई जाती है और उस उस वैक्सीन उस वैक्सीन का फायदा यह होता है कि उनको जो बीमारियां हो सकती है उस बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के कारण वो ना हो और वो उनसे बची रहे बचे रहे तो इसलिए उनको हम जो वैक्सीन लगाते हैं वो लगाते हैं एक तो एच बी की और एक टिटनेस की तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी तो एच बी एजी और टिटनेस दोनों की वैक्सीन जो है उन वर्कर्स को हम लगाते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो जिसको हैंडल कर रहे

अगला क्वेश्चन है हमारा सेपरेशन ऑफ फ्लॉक फ्रॉम वेस्ट टेक प्लेस यानी फ्लॉक से सेपरेशन कहाँ पर मतलब किस किसकी मदद से होता है तो फ्लॉक फ्लॉक का जो सेपरेशन होता है वो हम वेस्ट से जब फ्लॉक को जब सेपरेट कर लेते हैं तो वो किसकी मदद से कर सकते हैं हम सेडिमेंटेशन की मदद से कर सकते हैं एडजॉर्प्शन की मदद से कर सकते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव तो आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन ऑफ द फ्लॉक कैन बी टेक प्लेस बाय सेडिमेंटेशन बाय एडजॉप्शन और बाय रिवर्स ऑस्मोसिस अगला क्वेश्चन है हमारा टैनिंग ऑफ लेदर इज तो टैनिंग ऑफ लेदर क्या होता है वो हमसे पूछ रहा है पहला ऑप्शन है कलरिंग ऑफ लेदर बाय केमिकल्स तो कलर करने को हम टैनिंग नहीं बोलते हैं ड्राइंग प्रोसेस टू मेक द लेदर हार्ड तो हार्ड करने की प्रोसेस को भी हम टैनिंग नहीं बोलते हैं फिर अगला ऑप्शन है कि पॉलिशिंग टू ऑफ लेदर टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव तो पॉलिशिंग करने को भी हम टैनिंग नहीं बोलते हैं और ऑप्शन डी जो है वो बोल रहा है कोअगलेटिव हार्डनिंग ऑफ लेदर बाय केमिकल्स तो केमिकल्स के थ्रू जब हम कोएगेटिव हार्डनिंग करते हैं लेदर की उस प्रोसेस को हम टैनिंग बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि हार्डनिंग ऑफ कोएगुलेटिव हार्डनिंग ऑफ लेदर बाय केमिकल्स इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमसे पूछ रहा है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है तो कलर जो है वो हमको साफ साफ उसको फिज़िकली उसको फिज़िकली हम देख सकते हैं तो कलर जो है हमारा फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक हो जाएगा ऑर्डर uh, जो है वो भी हमारा उसको बदबू बदबू है अगर किसी तरह की उसमें तो उसको हम सूंघ सकते हैं तो वो भी हमारा फिजिकल करेक्टरिस्टिक हो जाएगा टेम्परेचर जो है वो भी हम उसको छू के पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर पानी गर्म है या ठंडा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी लेकिन पीएच जो है पीएच हम देख के नहीं पता लगा सकते उसके लिए हमको पीएच का टेस्ट करना पड़ेगा तो इसलिए उसको वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पी एच. अगला क्वेश्चन है हमारा वेस्ट दैट हैज सस्टेनेबल सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ और द इन्वायरमेंट तो हमसे पूछ रहा है ऐसा वेस्ट जो कि पब्लिक की जो हेल्थ है उसके लिए भी हानिकारक है उसके और जो इन्वायरमेंट है हमारा जो उसके लिए भी पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है तो ऑप्शंस दे रखे हैं अर्बन वेस्ट म्यूनसिपल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट और हजारडस वेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो वेस्ट हानिकारक है वो है हजारडस वेस्ट तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा क्योंकि हजारडस वेस्ट इज Substantial or potential threat to the public health or the environment. अगला क्वेश्चन है हमारा लाइम मड इज वेस्ट जनरेटेड इन तो लाइम मड जो एक वेस्ट होता है वो किस में जनरेट होता है उसकी प्रोसेस पूछ रहा है हमसे तो कहाँ पे जनरेट होता है वो तो इसका इसके ऑप्शन दे रहा है आयरन इंडस्ट्री में लाइम का कोई काम नहीं होता है लेदर इंडस्ट्रीज में भी लाइम का कोई काम नहीं होता है ऑप्शन सी जो है पल्प और पेपर मिल्स जो होती हैं उनके अंदर लाइम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और लाइम मड वहीं पर से जनरेट होता है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पल्प एंड पेपर मिल्स क्योंकि वहाँ पर लाइम मड जनरेट होता है